हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में हमारा सौभाग्य था कि हमें जाने मिला। देहरादून में एक छोटा सा मंदिर है, या कहें आश्रम है, जो कि आनंदमयी माँ को डेडिकेटेड है। आश्रम तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते इसका, क्योंकि अगर आप मैप पे ढूंढेंगे या वेब सर्च करेंगे तो आनंदमयी माँ आश्रम के नाम से एक और रायपुर में स्थित एक और बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है जिसको, जो कि ऑफिशियली आनंदमयी माँ आश्रम के नाम से जाना जाता है। पर ये जो जगह है, यहाँ पर करीब 1932 में, जून 1932, अभी से एग्जैक्टली 90 साल पहले, आनंदमयी माँ जो हैं वो फर्स्ट टाइम देहरादून मूव करी थी, और एक पुराने शिव मंदिर में, शिवाला जिसको कहते हैं, वो कुछ दिन रही थी। तो इस एपिसोड में हम उस शिवाला जाने वाले हैं, वो जो एक छोटा सा मंदिर है, उसके आसपास कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पर आनंदमयी माँ कुछ महीने रही थी 1932 में। और यही वो जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे मशहूर सेलिब्रिटीज़ जो जाने जाते हैं, उस समय के जो कुछ मशहूर लोग थे वो उनसे आकर के मिले थे, आम इंसान से लेकर के मशहूर लोग, और यहाँ तक कि आसपास के जीव जंतु, जानवरों को भी उनका स्नेह यहाँ पर मिला था। इसके बाद जो ऑफिशियल आनंदमयी माँ आश्रम है वो एस्टैब्लिश किया गया। तो मुझे मैप पर ये जगह ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जब हम विज़िट किए तब तो हमारे साथ अजय शर्मा सर थे, जिनको आपने हमारे मसूरी और देहरादून के और एपिसोड्स में देखा है, तो वो हमें यहाँ पर उन्होंने गाइड करा और हम इस जगह को एक्सप्लोर कर पाए। लौटने के बाद जब मैं वेब सर्च कर रहा था तो और रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो मैप पे बार बार जो मेन आश्रम है वो मिल रहा था मुझे, जो कि अगेन इसी नेबरहुड में है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। पर देन मैंने फाइनली इसको लोकेट कर पाया मैं मैप पे। तो रायपुर में जो महाराणा प्रताप चौक है, एक ट्रैफिक सर्कल है, वहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उसके पास ये आश्रम है, या फिर बस स्टैंड कह सकते हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर रायपुर का जो है उसके, वो भी इसी नेबरहुड में है, तो शायद आप इन ज़रियों से लोकेट कर पाएँ इस जगह को। आनंदमयी माँ का जो स्नेह है, जो उनकी ग्रेस है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड फील की गई स्पिरिचुअल सीकर्स के द्वारा, और काफ़ी सारे और जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं उनकी टीचिंग्स में आनंदमयी माँ का जिक्र मिलता है। कई फोटोग्राफ्स और वीडियो भी देखने मिलेंगे, परमहंस योगानंदा जी की जो मीटिंग रही है आनंदमयी माँ से, और उसके बाद उन मास्टर्स के जो फॉलोअर्स हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट करने आते रहे हैं। तो स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव रही हैं वो जगहें जहाँ जहाँ आनंदमयी माँ गईं और रहीं, और हमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट फील हुआ कि जब हम इस जगह पर आए शिवाला में, तो एक जो वहाँ पे केयर टेकर थे, एक मॉन्क ही थे, वो भी काफ़ी ध्यान की अवस्था में लग रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत उस जगह के बारे में बताया, वो आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा। फिर उन्होंने हमें एक कमरा दिखाया जिसका नाम था मातृ मंदिर, उन्होंने बताया कि उस कमरे में वो करीब 6-7 महीने रही हैं आनंदमयी माँ खुद। तो हमने भी कोशिश करी कि वहाँ का जितना साइट्स एंड साउंड्स पॉसिबल हैं वो हम रिकॉर्ड कर लें, और मैंने कम से कम उसको एडिट किया है। कई जगह कैमरा शेकी है क्योंकि वो सीढ़ी चढ़ना उतरना, और हैंडहेल्ड था फ़ोन, और थोड़ा सा नॉइज़ भी है, थोड़ा रोड से आवाज़ें आ रही थी थोड़ा सराउंडिंग्स में से, बट फिर भी हमने उनको इंटैक्ट रखा है जहाँ तक हो सके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नज़ारे ही नहीं, वहाँ की आवाज़ें और वहाँ का जो एम्बियंस, जो एनर्जी है वो आप तक पहुँच पाए। जैसे ही हम इस प्रांगण में घुसते हैं तो सबसे पहले एक विशाल का पेड़ आपका स्वागत करता है, और आसपास कुछ आंवले गिरे हुए होते हैं, और एक पुराने ज़माने की बिल्डिंग जो देख करके अपने आप में ही एक स्लोनेस और एक सुकून की फीलिंग आती है। और जब आप चढ़ के जाते हैं तो अंदर एक मंदिर आपको दिखेगा, जिसके आसपास
जो उसकी दीवारों पे आर्ट वर्क हुआ हुआ है, फ्रेस्को या म्यूरल शायद उसको बोलते हैं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वैसा ही आर्ट वर्क देहरादून के जो गुरु राम राय दरबार का वाला एपिसोड है आपने देखा होगा, उसमें भी वॉल पे इस तरह की आर्ट बनी हुई है उस ज़माने की, तो जो कि काफ़ी सुंदर आर्ट वर्क था। उसको जगह जगह से शायद लोकली कंटेम्प्रेरी मेथड से रिपेयर करने की कोशिश की गई होगी, तो कई जगह उस पर सफ़ेद चूना था या सफ़ेदी थी, वो नहीं दिख रहा था, लेकिन काफ़ी प्रोमिनेंटली छत पर और जगह जगह आसपास वो आर्ट देखने को मिलती है। जिस समय हम गए तो मंदिर का अंदर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन हम बाहर से ज़रूर दर्शन कर पाए। और ये मंदिर वाला जो प्रांगण है वो भी एक पेड़ की छांव में है, जिसके फूल और कुछ फल गिरे हुए थे पूरे फर्श पे, जो कि थोड़ा सा चिपचिपा सा बना रहे थे फर्श को, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा सुकून में थे कि कुछ रेजिस्टेंस किसी को लग नहीं रहा था। तो जबकि हम जब लौटे तो हमारे पूरे पैर में जो है वो चिपका हुआ था सब, लेकिन सब काफ़ी ज़्यादा सुकून में थे उस जगह पर जा कर के। जो वहाँ के केयर टेकर थे उन्होंने फिर हमें हमसे पूछा हमारे आने का पर्पस और हम कहाँ से आए हैं, और उसके बाद हमें ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें अंदर बुलाया और वो माँ का कमरा दिखाया और आसपास के वहाँ की कुछ बातें बताई कि किस तरह वहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विजिट किया था, और भी लोग वहाँ पर माँ से मिला करते थे। वेब सर्च करने पे भी मुझे कुछ अच्छे आर्टिकल्स वहाँ पर मिले, मैं स्क्रीन पे उनकी ग्लिम्प्स दूंगा, आप ज़रूर इंटरनेट पे जा कर के उन्हें ढूंढिएगा। एक स्वामी क्रियानंदा जी का एक आर्टिकल है और कुछ और आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स हैं जिनकी ग्लिम्प्स आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे लेख उनके बारे में, माँ के बारे में आपको मिलेंगे, तो आई एंकरेज यू ऑल कि आप भी उनको पढ़ें। आनंदमयी माँ की जो कोर टीचिंग है वो लव पे आधारित है, कि भगवान का एक और नाम प्रेम है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका ये नाम आनंदमयी भी इसीलिए पड़ा कि वो हमेशा ही एक प्रेममय ब्लिस में, एक ध्यान की अवस्था में रहती थी, और जो उनकी ब्लिस है वो मैनिफेस्ट या जगत पे जाहिर इस तरीके से होती थी कि उनकी जो पूरी पर्सनालिटी से प्रेम निकलता था, उनके मुख से, उनकी वाणी से जो है मंत्र और भजन, सरेंडर और जॉय का एक भाव उनके सॉन्ग्स में, उनके हिम्स में लोगों तक पहुंचता था। और उनकी टीचिंग यही रहती थी कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान या खाना पीना सोना जागना, मनुष्य जीवन इन चीज़ों से और बढ़कर है, सिर्फ इन्हीं में नहीं है, ये तो बेसिक नीड्स हैं, पर हमें अपनी जो चेतना है, अपनी जो थिंकिंग है, अपना जो कॉन्शियंस का स्तर है, वो इनसे उठकर इनसे आगे कहीं है। तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो इस पे आधारित रही हैं कि दिन भर का जो हमारा दिनचर्या है, जो हम काम करते हैं, इवन जो पूजा पाठ करते हैं, इन इन सब के साथ साथ जो है एटलीस्ट कुछ समय हमें निकालना चाहिए इंट्रोस्पेक्शन पे और सरेंडर के लिए, सरेंडर का भाव लाने के लिए, प्रेम के लिए। और उसको उन्होंने कई बार इन शब्दों में भी कहा है कि जो होलनेस ऑफ वर्ल्ड है या अखंड अखंडता जो है उसको फील करने के लिए करीब 15 मिनट एटलीस्ट 24 घंटे में से हम अगर निकाल पाएँ और इस भाव में रहें कि सब सब कुछ अखंड है, सब जुड़ा हुआ है और हमसे अलग नहीं है कुछ, तो अगर आप गौर करें तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक प्रेममय स्वभाव होगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी सिंपलीफाई करके आपको बता पाऊँ, लेकिन हाँ, जो और लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे इंटरनेट पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिले जिन पे ये जानकारी और अच्छे से अच्छे शब्दों में दी गई है, तो आप ज़रूर सर्च करिए। कई ऐसे किस्से भी इंटरनेट पे मेंशनड हैं जो कि कुछ लोगों को मिरेकुलस लग सकते हैं और कुछ लोगों को काफ़ी सहज लग सकते हैं, जहाँ पर लोगों ने माँ से रोज़मर्रा की अपनी दिक्कतों के बारे में बात किया है और किस तरह उन्होंने उनको बड़ा सहज तरीके से ये समझाया है कि हम अपने काम, अपने कर्तव्य करते करते ही हमारा चित्त जो है वो भजनमय या प्रेममय रह सकता है काम करते करते, कि आपका जो कर्तव्य हो आपके हाथ में हो और जो आपका भजन है वो आपके कॉन्शियंस में हो, मन में हो। और हर जगह ही ये जिक्र है कि मोस्टली आनंदमयी माँ जो हैं वो एक ब्लिस में रहती थी या हंसती रहती थी, एक उनकी जो हंसी की आवाज़ है उसकी कई लोगों ने उपमा इस तरह से की है कि एक छोटी लड़की का जो जॉय है, कि जो खुशी है वो उन्हें फील हुआ माँ के हंसने में, जो कि बात करते करते भी अक्सर हंसा करती थी और
उसको काफ़ी कैप्टिवेटिंग बताया है। कई लिखने वालों ने यह लिखा है कि उनकी जो बात करने का तरीका और उनकी जो खुशी है वो काफ़ी कंटेजियस थी, आसपास के लोग भी जो है एक आनंद में आ जाते थे उनकी प्रेजेंस में, हेंस द नेम आनंदमयी माँ, जो कि खुद जॉय में पूरे टाइम ड्रेंच्ड रहती थी। तो अब हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और यहाँ इस जगह को देखते हैं, देहरादून, मसूरी और भारत के और भी जो ट्रैंक्विल जगहें हैं, शांत जगहें, हेरिटेज साइट्स हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और बाकी कुछ आप हमारे चैनल पे जा करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और हमें अपनी शुभकामनाएं और स्नेह भेजते रहिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आवर चैनल एंड आई विश यू ऑल अ लॉट ऑफ जॉय एंड लव। तो आगे गिरे हुए तो हैं मतलब कच्चे भी गिर जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब माँ आनंद में यहाँ आई होंगी 1932 में तो यहाँ कोई ये बसावट नहीं होगी और ये जितना भी इलाका है ये सब जो है सौंग नदी का पार्ट होगा और यहाँ से दिखता होगा अगर वो बरसातों के दिनों में रही होंगी चौमासे में उनको पानी बहता हुआ भी दिखाई दिया, आवाज़ भी आती हुई यहाँ तक। उसके नीचे नहर तो है ही है, मंदिर देखिए ना कितना सुंदर मंदिर है। उस पर भी वैसे ही बना हुआ है। आइए
माँ का कमरा आया के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये उनका कमरा था या माँ का अभी एक दिन है। माँ यहाँ पर करीब करीब 6 महीना पहले जो अपना भाव में रहते थे, ध्यान में। कौन से सन में? करीब करीब समझे कि 1932 का बात है, पुराना बात है। और यहाँ पर तो भीड़ है, वैसे बड़े बड़े इंदिरा गांधी लोग आना जाना करते रहे माँ का बात जो है सब कोई नहीं समझ सकता होगा। अपने भाव में रहते रहे हैं, जिसको जो भी अपना बात हो अपना बताता उसी हिसाब से माँ जवाब देते रहे हैं, क्योंकि भगवत भजन वजन करने के लिए बात बोलते रहते थे। हरी कथा हरी कथा सब लिखा रहता था माँ का, भगवान का मतलब भाव में रहते रहे। स्थिति में लोगों को अपना शांति की स्थिति में जो भी सब रहता था वह बतलाते रहे हैं। और गृहस्थ के लिए थोड़ा समय भगवान को दो, भगवान को थोड़ा समय दो, खाने पीना में ही बिल्कुल नहीं रखो, यह मनुष्य जीवन को सार्थक रखो, मनुष्य जीवन को कुछ अपना वापस आए। धन्यवाद। हाँ, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, मेरी माँ भी आना चाहती थी, उनको ये वीडियो दिखा दूंगा यहाँ पर दर्शन। Thank you.